अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर साइंस बुक पेज नंबर 64। हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे हमने देखा कि साउंड्स जो होती हैं वो हम कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। वी मेक साउंड्स विद आवर वॉइसेस, और हम आवाज़ें किस तरह से सुनते हैं, हम अपने कानों से आवाज़ें सुनते हैं। वी हेयर साउंड्स विद आवर ईयर्स, और साउंड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, लाउड और सॉफ्ट। कुछ आवाज़ें ऊंची होती हैं जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा था, और कौन कौन सी आवाज़ें ऊंची होती हैं जैसा कि एरोप्लेन, बस, ट्रैफिक का जो शोर होता है, जो हॉर्न्स होते हैं, उसके अलावा मशीन्स की आवाज़, ये तमाम आवाज़ें जो हैं वो लाउड वॉइसेस होती हैं। और बर्ड्स चर्प, परिंदों की आवाज़ें, एनिमल्स की आवाज़ें, और वाटर की आवाज़ें जो होती हैं, आवाज़ जो होती है वो सॉफ्ट साउंड होती है। आज हमने नेक्स्ट पेज पढ़ना है, दैट इज़ पेज नंबर 65। सो पुट योर फिंगर्स हेयर। एनिमल्स ऑल्सो मेक साउंड्स, जानवर भी आवाज़ें बनाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो मेक साउंड्स, जानवर भी आवाज़ें बनाते हैं। डॉग्स बाग, कुत्ते भौंकते हैं। एंड कैट्स म्यू, और बिल्लियाँ म्याऊ म्याऊ करती हैं। बर्ड्स चर्प, परिंदे चहचहाते हैं। परिंदे जो बोलते हैं उसको हम कहते हैं परिंदों का चहचहाना। बर्ड्स चर्प एंड स्क्वाक, परिंदे चहचहाते हैं और कैं कैं करते हैं। जैसे जो डक होती है ना, वो कैं कैं करती है, तो उसको कहते हैं स्क्वाक। मशीन्स मेक साउंड्स, मशीनें आवाज़ें बनाती हैं। व्हेन वी यूज़ देम, जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। म्यूज़िक इज़ अ साउंड टू, मौसीकी भी एक आवाज़ है, ठीक है। तो हमने देखा कौन कौन सी चीज़ों की आवाज़ें होती हैं। एनिमल्स की आवाज़ें होती हैं, डॉग्स जो हैं वो भौंकते हैं तो उनकी आवाज़ें होती हैं। कैट्स की, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ करने की आवाज़ें। परिंदों के चहचहाने की और कैं कैं करने की आवाज़ें। और मशीनें भी आवाज़ें बनाती हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और मौसीकी भी एक आवाज़ है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, हम आवाज़ें देखें, हमने देखा था कि वी मेक साउंड्स विद आवर वॉइसेस, तो हम आवाज़ें किस तरह बनाते हैं। अब ये देखें कितने आपको हमने एग्जांपल्स दी कि किस तरह आवाज़ें बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें आवाज़ें बनाती हैं, और ये आवाज़ें किस तरह बनती हैं, हमारी आवाज़ों से, ठीक है। जैसे डॉग की आवाज़ से डॉग की भौंकने की आवाज़ बनती है, कैट म्याऊं म्याऊं करती है तो कैट की आवाज़ से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है। इसी तरह से डिफरेंट आवाज़ें बनती हैं जो कि हम अपने कानों से सुनते हैं, उनमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो लाउड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। सो पुट योर फिंगर्स हेयर अगेन, वी आर गोइंग टू रीड इट अगेन। एनिमल्स ऑल्सो मेक साउंड्स, डॉग्स बार्क एंड कैट्स म्यू, बर्ड्स चर्प एंड स्क्वाक, मशीन्स मेक साउंड्स व्हेन वी यूज देम, म्यूजिक इज अ साउंड टू, एनिमल्स ऑल्सो मेक साउंड्स, डॉग्स बार्क एंड कैट्स म्यू, बर्ड्स चर्प एंड स्क्वाक, मशीन्स मेक साउंड्स व्हेन वी यूज देम, म्यूजिक इज अ साउंड टू, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से लर्न करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, साइंस की जो बुक रीडिंग होती है उसकी ट्रांसलेशन आपको याद नहीं करनी होती। ट्रांसलेशन हम आपको सिर्फ बताते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको समझ आ सके कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अच्छे से फ्लुएंट वे में जो है वो रीडिंग करनी होती है, उसको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ याद नहीं करना होता, ठीक है।